हेलो एवरीवन, आई एम विजयपाल सिंह। टुडेज आवर टॉपिक इज नोबेल पुरस्कार 2019। नोबेल प्राइज 2019 में किन किन पर्सनल को दिया गया, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, किस कंट्री से शुरुआत होती है, कब से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई, किसने शुरू किया और किस कंट्री में दिया जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इतिहास हिस्ट्री में जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार जो है कब से शुरुआत हुई इसकी। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरुआत की गई इसकी। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एंड अर्थशास्त्र क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा राशि इसके अंदर दी जाती है और सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। यह सिक्स फील्ड के अंदर जाता है। अभी नाउ प्रेजेंट में यह सिक्स फील्ड के अंदर दिया जाता है। फर्स्ट है पीस, शांति के क्षेत्र में। सेकंड लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। थर्ड है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में। फिर है मेडिकल साइंस फील्ड क्षेत्र में। और छठा क्षेत्र आता है इकोनॉमिक। दोस्तों इकोनॉमिक का क्षेत्र 1967 में जोड़ा गया था, जैसा कि यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहला इकोनॉमिक का पुरस्कार 1969 में दिया गया था। इसकी शुरुआत 1967 में स्वीडन का एक बैंक था, स्वेजिरिस रिक्स बैंक, जिसने अपनी 300वीं वर्षगांठ की पर के उपरांत में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक्स साइंस के अंदर। तो अभी प्रेजेंट में ये छह फील्ड के अंदर दिया जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने, आप सभी जानते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने अपनी वसीयत में ये डिक्लेयर किया था कि उनकी जो टोटल एसेट है, संपत्ति है, उसको एज ए अवार्ड वितरित किया जाएगा। तो उसी के वसीयत के अकॉर्डिंग नोबेल फाउंडेशन बनाया गया, जो हर साल 21 अक्टूबर को घोषणा करता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। एंड 10 दिसंबर हर वर्ष यह वितरित किए जाते हैं। 2019 के अवार्ड भी 2019 के 10 दिसंबर को दिए गए हैं। एंड आने वाले टाइम में 2020 में 21 अक्टूबर को घोषणा की जाएगी एंड 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 21 अक्टूबर को अल्फ्रेड नोबेल का बर्थडे रहता है, मतलब कि उसकी जयंती रहती है, जन्म हुआ था इनका। एंड 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि रहती है, पुण्यतिथि इनकी डेथ होती है 10 दिसंबर को। तो इसलिए हर साल इनकी जयंती पर 21 अक्टूबर को घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, कब शुरुआत हुई, कहाँ दिया जाता है। एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको, जैसे कि जो पीस शांति का अवार्ड है वो एक अलग प्लेस पे दिया जाता है, नॉर्वे कंट्री है, उसकी राजधानी ओस्लो में दिया जाता है पीस का अवार्ड। और बाकी 5 फील्ड हैं, इन सभी के अवार्ड स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आज करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, नोबेल पुरस्कार 2019। तो पहला अवार्ड है यहाँ पर द नोबेल पीस प्राइज 2019। 2019 के अंदर पीस फील्ड में यह अवार्ड किसे दिया गया। तो अभी अहमद अली इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी अहमद अली को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनके देश के शत्रु इरिट्रिया, ये इथियोपिया के पीएम हैं, इनके ही पड़ोसी देश है इरिट्रिया, उनके साथ सीमा संघर्ष, बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स को लेकर उनको सुलझाने के लिए, इस महान कार्य को करने के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है पीस के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है अभी अहमद अली को, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। सेकंड है नेक्स्ट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर 2019 का अवार्ड इसे दिया गया है, पीटर हैंडके हैं जिनको 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पीटर को भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों किसके लिए दिया गया है, नवीनतम प्रयोगों के लिए भाषा के अंदर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2018 में लिटरेचर में अवार्ड नहीं दिया गया साहित्य के अंदर। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि नोबेल फाउंडेशन जो है संस्था है, उसके मेंबर्स पर सेक्सुअल एलिगेंट लगाए गए थे, जिन कारणों की वजह से 2018 में लिटरेचर का अवार्ड वितरित नहीं किया गया था।
2018 और 2019 दोनों का अवार्ड 2019 में घोषणा किया गया और 2019 को दे भी दिया गया। आप सभी को पता है 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक को 2018 के लिए साहित्य का अवार्ड दिया गया है और 2019 के लिए पीटर हैंडके को, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019। केमिस्ट्री के अंदर रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2019 में तीन व्यक्ति को दिया गया है, थ्री पर्सनैलिटी हैं। फर्स्ट है जॉन बी गुडिनफ, सेकेंड है एम स्टेनली एंड थर्ड पर्सन है अकिरा योशिनो। ये भी ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर लिथियम आयन बैटरी का विकास किया। इन बैटरियों का प्रयोग इस्तेमाल यूज कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो भी आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रचलन में हैं, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम आयन बैटरी का। वह रोजमर्रा की चीज़ों में बड़े स्तर पर यूज हो रहा है, तो इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनको केमिस्ट्री के अंदर 2019 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2019। तो दोस्तों मेडिसिन के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में तीन पर्सन को दिया गया है, थ्री पर्सन को दिया गया है अवार्ड। तो फर्स्ट है विलियम जी कैरलिन, सेकंड है सर पीटर रेडक्लिफ एंड थर्ड है ग्रेग एल सेमेंजा। थर्ड पर्सन है ग्रेग एल सेमेंजा। इन्होंने क्या कार्य किया जिसके लिए इनको मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों इन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता समझने, और उसके अनुकूल बनने की कोशिकाओं की क्षमता तलाशी है। इससे क्या फायदा होगा? कैंसर के इलाज में के नए तरीकों को ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। तो इस कार्य के लिए इन्हें क्या दिया गया है? मेडिकल में नोबेल प्राइज दिया गया है। सेकंड है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस के अंदर ये प्राइज 3% को दिया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक भारतीय मूल का वैज्ञानिक भी है, तो जानते हो कौन है? अभिजीत बनर्जी एंड उनकी वाइफ एस्थर डुप्लो एंड माइकल क्रेमर, ये 3% है जिनको इकोनॉमिक साइंस में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी जो इंडिया से संबंध रखते हैं और उनकी वाइफ है एस्थर डुप्लो एंड माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी वर्ल्ड पॉवर्टी को खत्म या कम करने के लिए प्रयोग के उनके शोध एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। तो दोस्तों इकोनॉमिक साइंस के अंदर 3% है अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर। उन्होंने क्या किया है? जो वर्ल्ड पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर इनको इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है फिजिक्स के अंदर 2019 में फिजिक्स का अवार्ड, फिजिक्स के फील्ड में फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है नोबेल पुरस्कार। 3% है जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डेडियर क्वेलोज। ये 3% है जिनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने क्या महान कार्य किया जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया, जान लेते हैं। जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए, जेम्स पीबल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए। नए सिद्धांत ऐसे जैसे कि हमें जान सकते हैं, आपने सभी ने सुन रखा होगा बिग बैंग थ्योरी। तो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की और उस पर अपने नए एक्सपेरिमेंट और सिद्धांत पेश किए जिनके ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2019 का। और दोनों साइंटिस्ट मिशेल मेयर एंड डेडियर क्वेलोज को सौरमंडल से परे एक नए ग्रह को खोजने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एक नए ग्रह की खोज की है जो अपने सौरमंडल से बाहर है, उसको नाम दिया गया है दोस्तों, उसका नाम एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 51 पेगासी बी। तो इन्होंने इस नए ग्रह की खोज की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है 2019 के अंदर जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से हमें ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।